आज के इस व्याख्यान में मैं आपको काव्य गुण के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि काव्य शास्त्र के आधार पर या काव्य शास्त्रियों ने काव्य के अंतर्गत अनेक सिद्धांतों को माना है, जिसमें छंद हैं, अलंकार हैं, रस हैं, शब्द शक्तियां हैं, काव्य गुण हैं, काव्य दोष हैं, ध्वनि है आदि कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पिछले व्याख्यान में मैंने छंदों के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की है। छंद क्या है, कितने रूप के होते हैं, छंदों के कौन कौन से प्रकार हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से मैंने अलंकारों के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान की है। इसी के साथ आज मैं आपको इस व्याख्यान में काव्य गुण के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि काव्य में कौन से गुण होते हैं जिसके आधार पर काव्य का अनुशीलन किया जाता है। अर्थात काव्य में अगर गुण होंगे तो वो गुण पाठक को किस रूप में ग्राही होते हैं और वो कैसे लगते हैं, इसी के आधार पर काव्य की पहचान की जाती है। काव्य अच्छा है या बुरा है, अगर किसी काव्य को हम आलोचना की दृष्टि से देखें तो हम पता लगाते हैं कि इसमें इस काव्य की भाषा का रूप क्या है, इसका प्रभाव कैसा है, इसकी कथानक या कथा वस्तु कैसी है, इसकी प्रभावान्विति कैसी है। तो और काव्य के अंतर्गत हम उसकी अगर भाषा को देखें, क्लिष्ट भाषा है, समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं आ रही, भाव इसके अच्छे नहीं हैं, कथा वस्तु का कोई क्रम है नहीं, तो इसके आधार पर हम काव्य के अच्छे और बुरे दो पहलुओं की जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन्हीं पहलुओं के अंतर्गत काव्य के गुण और दोष आते हैं। तो काव्य में गुण क्या हैं, इसके बारे में विद्वानों ने या साहित्य का अध्ययन करने वाले लोगों ने कहा कि काव्य में कौन सा गुण सबसे हृदयग्राही है जिससे काव्य सुंदर लगता है। तो काव्य क्या होता है, काव्य का गुण क्या है, तो इसके संबंध में गुण का शब्दार्थ है शोभाकारी धर्म अथवा शोभा भाव। यानी काव्य अगर अपने भावों के माध्यम से हमारे या पाठक के हृदय में एक अच्छी भाव की जागृति उत्पन्न कर दे तो उसे ही मान लीजिए हम काव्य का गुण मान सकते हैं। अब काव्य के अंतर्गत गुणों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके संबंध में आचार्यों में मतभेद है। कुछ विद्वान काव्य में 3 गुण मानते हैं, कुछ विद्वान काव्य के अंतर्गत 10 गुण मानते हैं। भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि काव्य के अंतर्गत 10 गुणों का होना निश्चित है, इसी प्रकार से रुद्रट है, वामन है, भाम है, दंडी है, इन लोगों ने भी काव्य के गुणों के अंतर्गत अगर इसको जाना तो उन्होंने यही कहा कि काव्य में 10 गुणों का समावेश होना आवश्यक है। इसी प्रकार से अग्नि पुराण को हम देखें तो अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या 18 मानी गई है। और कुछ विद्वान यानी काव्य गुणों के बारे में कहते हैं कि काव्य के संदर्भ में शब्द दोष, अर्थ दोष आदि को ध्यान में रख करके अगर इसकी गणना की जाए तो काव्य के अंतर्गत 23-24 गुण भी हो सकते हैं। लेकिन सभी विद्वानों के अनुसार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यानी इन गुणों के बारे में अपनी विस्तृत जानकारी प्रदान की है और उन्होंने भी काव्य के अंतर्गत 3-4 गुणों को ही माना है। अब इन सभी सिद्धांतों का अगर प्रतिपालन करें और सभी सिद्धांतों की व्याख्या की जाए तो हमें पता लगता है कि काव्य के अंतर्गत 3 गुण ही सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो 3 गुण कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूंगा माधुर्य गुण। माधुर्य गुण
यानी यह काव्य में पहला गुण माना जाता है जिससे यानी काव्य का पता चल जाता है कि काव्य में माधुर्य गुण, माधुर्य का मतलब होता है मिठास, यानी अच्छी अच्छी बातें और हृदय ग्रही हो तो इसमें यानी माधुर्य गुण का अनुमान लगाया जा सकता है। माधुर्य गुण काव्य में कहाँ माना जाता है, इसके लिए कहते हैं कि काव्य में अगर श्रृंगार रस है, श्रृंगार के दोनों भेद हैं, संयोग है, वियोग है और शांत रस है, तो इन रसों में यानी काव्य के अंतर्गत माधुर्य गुण होता है। तो इस प्रकार से रसों के आधार पर भी हम काव्य के गुणों को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से काव्य के अंतर्गत दूसरा गुण है ओज गुण। तो ओज गुण के संबंध में ओज गुण, ओज गुण के संबंध में यह माना जाता है कि काव्य में यह रस वहां पर होता है जहां पर वीरता और जोश की बातें होती हैं, ओज से युक्त बातें होती हैं, वहां पर काव्य में यह गुण माना जाता है। और यह गुण वीर रस होता है, विभत्स रस होता है और रुद्र रस में क्रमशः इस गुण की व्युत्पत्ति हम मान सकते हैं। इसी प्रकार से काव्य में एक गुण और होता है जिसको हम मानते हैं प्रासाद गुण। प्रसाद गुण काव्य में कहाँ पर होता है, तो इसके बारे में विद्वानों ने, आलोचकों ने माना है कि प्रसाद गुण सहृदय के चित्त में शीघ्रतापूर्वक द्रुत गति से व्याप्त करने में समर्थ अंगी रस का धर्मित प्रसाद गुण है। और यह गुण काव्य में वहां पर होता है जहां पर काव्य की शब्दावली सरस होती है, सरल होती है, सहज होती है, सुबोध होती है और हृदयग्राही होती है, तो वहां पर हमें यह मानना चाहिए कि काव्य के अंतर्गत प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार से काव्य के अंतर्गत तीन गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। वैसे तो विद्वानों ने इसको अलग रूप में माना है और कुछ लोगों ने कितने ही गुणों को माना है। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल से जानकारी देना चाहूँगा कि काव्य में ये गुण कहाँ कहाँ पर होते हैं और कौन सी स्थिति में ये हृदयग्राही होते हैं। तो इसके संबंध में सबसे पहले माधुर्य गुण, यानी सहृदय के चित्त के द्रवण और आह्लादन में समर्थन अंगी रस का धर्म ही माधुर्य गुण है। माधुर्य का अर्थ है मिठास, अर्थात काव्य में प्रयुक्त शब्दावली एवं उससे प्रकट होने वाले अर्थ में मन को मोह लेने का गुण। इस गुण की स्थिति के मूल में चंचलता अथवा आतुरता का अभाव ही असल है। चंचलता और आतुरता माधुर्य गुण के बाधक हैं। संयोग श्रृंगार में आतुरता और चंचलता का अधिक्य होने के कारण ही यह गुण अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। संयोग रस होता है करुण और वियोग का आह्लाद एक सीमा तक व्यक्तिक ही अधिक होता है। इसके प्रतिकूल शांत रस का आह्लाद अधिक व्यापक और अंचल होता है, इसलिए इस गुण की स्थिति शांत रस की रचनाओं में सर्वाधिक स्वीकार की गई है। तात्पर्य यह कि माधुर्य गुण संयोग से अधिक करुण में, करुण से अधिक वियोग में और सबसे अधिक शांत रस की रचनाओं में होता है। पांचाली रीति की रचनाओं में इस गुण का प्राय प्राचुर्य देखा जा सकता है। पंडित विश्वनाथ ने इसके कतिपय बाह्य अर्थक निरूपक लक्षण भी बताए हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि प्रसाद गुण संयोग श्रृंगार, करुण वियोग श्रृंगार एवं शांत रस में उत्तरोत्तर क्रम से अधिक पाया जाता है। माधुर्य व्यंजक वर्णों का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात ट ठ ड ढ से रहित ककार से मकार तक वर्णयुक्त हो सकते हैं। तीसरी, अगर इसकी विशेषता देखें तो पंचमाक्षरों अण इंग न मैं के कुशल प्रयोग अपने वर्ग के अन्य वर्णों से संयोग से माधुर्य की वृद्धि होनी चाहिए। इसी प्रकार से र और ण के प्रयोग हर्ष स्वर से अवतरित हों, रचना समासीन अथवा इसद समासों वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं के आधार पर
और इन कारकों के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि अमुक रचना में यानी माधुर्य गुण है, और माधुर्य गुण के ये सभी जो पॉइंट हैं वो इस रस को जानने में बहुत ही अच्छे सहायक सिद्ध होते हैं। अब इसका एक उदाहरण था, जैसे एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक, ये उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो इस प्रकार की जो शब्दावली होती है, इसी प्रकार से लाज की मादक सुर्रा की लालिमा, फैल गालों में नवीन गुलाब से, छलकती थी बाढ़ सी सौंदर्य की, अध खुले सस्मित गड्ढों से सीप से। तो इस प्रकार से ये सुमित्रा नंदन पंत जी का वाक्य है, और इसमें यानी जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है किया गया है वो बहुत ही अच्छी तौर से समझ में आने वाला है, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि अमुक रचना में माधुर्य गुण व्याप्त है। इसी प्रकार से ओज गुण, ओज गुण सहृदय के चित्त में उत्साह है, वीरता है, आवेश आदि की जागृति में समर्थक अंगिरस का धर्म ही ओज गुण है। ओज का अर्थ है तेज, प्रताप, दीप्ति आदि। यह चित्त का दीप्तिकारक अथवा विस्तारक गुण है। गोड़ी रीति की रचना में इसका प्राचुर्य दिखाई पड़ता है। यह गुण वीर, विभत्स और रौद्र रस में उत्तरोत्तर क्रमशः अधिक मिलता है। इसका बाह्य लक्षण निम्नांकित रूप में स्वीकृत है, जैसे इसमें प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे वर्णों की संयुक्ताक्षरता अनुकूल मानी जाती है। इसमें टै, ठै, डै, ढै, क्ष, क्ष आदि वर्णों का प्रयोग ओज वर्धक होता है। ऊपर नीचे रेप युक्त वर्ण प्रयोग दीर्घ समानता और उद्धत पद संगठन आवश्यक है। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, माखे लखनऊ कुटिल बही भोहे, रद पद फरकत नयन सोहे, रघु बंसिंह महज को वो हुई, ते ही समाज अस कहीं न कोई। इसी प्रकार से ये तुलसीदास जी का कथन है, और इसमें एक प्रसाद जी का कामायनी से भी हम इसको ले सकते हैं। हिमाद्री तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुद्वलदा स्वतंत्रता पुकारती, अमरते वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्ते पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस प्रकार से इस रचनावली में या इस वाक्यावली में हमें ये पता चल जाता है कि काव्य के अंतर्गत ओज गुण का प्रयोग हुआ है। अब तीसरा एक इसका गुण था प्रसाद गुण, तो इसके बारे में सहृदय के चित्त में शीघ्रतापूर्वक द्रुत गति से व्यक्त करने में समर्थ अंगीरस का धर्म ही प्रसाद गुण है। प्रसाद का अर्थ होता है व्याप्त हो जाना, विकसित हो जाना अथवा खिल उठना, अर्थात किसी रचना में निहित वे गुण जिनके कारण रचना शीघ्र ही पाठक के हृदय में प्रवेश पाती है। वैसे गुणों में सहजता, सरलता, स्वच्छता आदि है। तात्पर्य यह है कि जो रचना सुनते ही समझ में आ जाए वह प्रसाद गुण युक्त होती है। यह गुण सभी रसों में होता है। इस गुण के लिए सरल है, सहज है, सुबोध है, शब्दावली का प्रयोग आवश्यक है। अर्थ की सरलता, निर्मलता और स्वच्छता इसकी विशेषता होती है। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। ये गुप्त जी की रचना से लिया गया है, गुप्त जी की पंक्तियां हैं, जो इस गुण की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो इसी प्रकार से एक और है, कैसे कहती हो सपना है अली, उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हाथ। महादेव वर्मा का कथन है। तो इन उदाहरणों से और इस प्रकार की भाषा से हम ये अवश्य पहचान लेते हैं कि काव्य के अंतर्गत कौन सा गुण है, और इस गुण के अंतर्गत यानी किस प्रकार की शब्दावली है, वीरता है, उत्साह है, श्रृंगार है आदि रसों के आधार पर भी हम इनका अनुमान लगा सकते हैं, या इसमें कह सकते हैं कि अमुक रचना में, अमुक पंक्तियों में इस गुण का अधिक प्रयोग हुआ है। तो गुण यानी काव्य गुण यानी रचना में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसको संस्कृत के आचार्यों से लेकर के हिंदी के आचार्यों तक इस पर यानी आलोचना लिखी, और आलोचना के माध्यम से जब निष्कर्ष निकले तो निष्कर्षों में यानी तीन ही प्रमुख गुणों का परिचय मिलता है कि प्रसाद गुण है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है,
और इसी प्रकार से काव्य के अंतर्गत गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी पाए जाते हैं, और दोषों के संबंध में हम काव्य के जो दोष होते हैं उनकी चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूँगा। धन्यवाद।